हेलो डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर डूइंग आर चैप्टर नंबर नाइन सो आर टूडेज टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, देर आर मेनली टू स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट आर ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बच्चे जो ब्रीदिंग और रेस्पिरीशन दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं बल्कि ये दोनों ही वर्ड्स क्या है? हैं डिफरेंट हैं ब्रीदिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक इंटरनल प्रोसेस है ब्रीदिंग का मीनिंग क्या होता है ऑनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीदिंग का मीनिंग क्या है कि आप अपने नोज के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हो और सीओ टू को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग वाइल्ड रेस्पिरेशन क्या होती है ये एक इंटरनल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के हर एक सेल में होती है जो ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं वही ऑक्सीजन बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचती है और सभी सेल्स में पहुंचने के बाद वो फूड को ब्रेकडाउन करके वहाँ से एनर्जी रिलीज करती है सो so, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन ये तीनों इसी के नेम हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन दोनों में बिग डिफरेंस क्या है ये एक फिजिकल प्रोसेस है एक्सटर्नल प्रोसेस है वाइल्ड सेलुलर रेस्पिरीशन क्या हैल में प्रेजेंट होती है ये सेल्स के बाहर होती है आउटसाइड द सेल्स ब्रीदिंग कहाँ होती है इट अकर्स आउट साइड द सेल्स वाइल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन साइड द सेल्स ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जितने टॉपिक रीड किए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है सो ट्राइट योर सेल्फ एंड आर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग ब्रीदिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रीदिंग है क्या टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अंदर लेना और सी टू को रिलीज करना अब ब्रीदिंग के भी ये टू स्टेप्स हैं ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो और सी टू को बाहर रिलीज कर रहे हो इन दोनों स्टेप्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं ऑक्सीजन की प्रोसेस जो है मीन्स आप ऑक्सीजन को अंदर कैरी कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन और जब आप अपने अंदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हो गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेलेशन और ये कंप्लीट एक साइकिल जब एक इनहेलेशन कर लेते हो और एक एक्सलेशन कर लेते हो तो उस कंप्लीट एक स्टेप को हम बोलते हैं ब्रीथ कि हमने वन टाइम ब्रीथ किया है एक बार सीओ टू ले ली और सीओ टू रिलीज कर दी और ऑक्सीजन अंदर ले ली तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम वन ब्रीथ बोलेंगे सो so, स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है ये हमारे पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है और इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस नेक्स्ट टॉप हमारा जो डेफिनेशन आती है वो है ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग रेट है क्या स्टूडेंट्स कि हम वन मिनट के अंदर कितने ब्रीथ्स लेते हैं हम कितनी बार ये इनहलेशन एक्सलेशन की प्रोसेस रिपीट करते हैं तो उस रेट को हम बोलते हैं ब्रीदिंग ब्रीदिंग रेट द नंबर ऑफ टाइम्स अ अ पर्सन ब्रीथ्स इन मिनट इज एज रेट ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट्स ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है नॉर्मली इसकी रेट होती है ट्वेल्व टू एटीन अगर आप रेस्ट में हो आराम से बैठे हो लेकिन आप अगर कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग रेट 25 टाइम्स पर मिनट तक भी जा सकती है सो so, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एनारोबिक प्रोसेस में कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है और जब हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो ज्यादा ही एनर्जी रिलीज होती है सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस अच्छे से क्लियर होंगी सो रीड दिस टॉपिक प्रॉपरली